और अब खबर अभनपुर से है, जहां पर ग्राम परसदा सौट की दो बच्चियां अपने गुल्लक में जमा किए पैसों से मास्क बनवाकर ग्रामवासियों को न केवल वितरित कर रही हैं, बल्कि लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक भी कर रही हैं। मुस्कान और खुशबू नाम की ये बच्चियां सरस्वती शिशु मंदिर गोबरा नवापारा में पांचवीं और दूसरी कक्षा में पढ़ती हैं। इनके पिता पूरणलाल साहू हायर सेकेंडरी स्कूल में व्याख्याता हैं। कोरोना के चलते मास्क की अहमियत होने के बाद भी ग्राम के कई लोगों में जागरूकता की कमी और मास्क खरीदने में उनकी अक्षमता को देखते हुए मुस्कान और खुशबू ने पिछले दिनों अपने गुल्लक को तोड़कर उसमें जमा किए 985 रुपए को निकाला और ग्राम के दर्जी के पास ले जाकर लगभग 200 मास्क बनवाए। मैं कक्षा पांचवी में पढ़ती हूँ। आज पूरा देश कोरोना वायरस से जूझ रहा है। हम लोगों ने टीवी में देखा कि और डॉक्टरों ने बताया कि यह बीमारी गंभीर एवं जानलेवा है, इसलिए हम दोनों बहनों ने सोचा कि गुल्लक में रखे हुए पैसे से मास्क बनवाकर घर घर में जाकर बांटे और आप लोगों से यही अपील करते हैं कि मास्क का प्रयोग करें, घर से बाहर ना निकले, लॉकडाउन का पालन करें, क्योंकि जान है तो जहान है। और अब खबर डिंडोरी से।